हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग का VIT का रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से काउंसलिंग करना है VIT का, और जो कि बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ काउंसलिंग है। फेज वाइज यहाँ पे काउंसलिंग होता है, तो प्लीज़ आप सारा जानकारी सही से ले लें, तभी काउंसलिंग होगा। अदरवाइज बहुत मिस्टेक हो सकता है और आपका सारा रैंक रखा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फेज वाइज काउंसलिंग और किसी एक फेज में ही वो अलाउ करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद जैसे ही डेट आता है काउंसलिंग का, हम आपको अपडेट करेंगे। तो काउंसलिंग में सबसे पहले आपको 6000 देके रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, और वो रिजल्ट आने के जस्ट बाद जिस दिन से भी स्टार्ट होगा उस दिन से लेके हर एक डेट रहता है। फेज वन वाले के लिए 10 दिन का समय दिया गया, फेज टू वाले के लिए उसके बाद 10 दिन, तो स्टार्ट सबके लिए हो जाएगा। आप फेज फाइव में भी पढ़ते हैं, फेज फाइव क्या होता है अभी वीडियो में आगे आपको पता चलेगा, फेज टू थ्री फोर फाइव क्या होता है वो आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे है कि अगर आपका फेज टू में भी है तो आप उस समय रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप टाइम के रहते अपना 6000 देकर रजिस्ट्रेशन कर लें, तभी आपको चॉइस फिलिंग और कॉलेज मिलने का वो ऑप्शन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो सबसे पहले ये करना है। उसके बाद सबसे मस्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि फेज क्या होता है और कैटेगरी क्या होता है। तो फेज जो है वो डेट को दिखाते हैं के लिए होता है कि किस फेज में आपका काउंसलिंग पड़ रहा है। 20,000 रैंक के अंदर है, फेज वन में हुआ जिसका काउंसलिंग सबसे पहले होगा। और ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन है, कहीं जाने का जरूरत आपको नहीं, पहले VIT में होता था कि आप जाके वहां कराएं, ये ऑनलाइन है, घर से ही सारा कुछ होगा, जिसके लिए हम गाइड करेंगे आपको। इंग्लिश चैनल ऑलरेडी 6 साल से गाइड कर रहे हैं। आपको चाहिए मेरे से गाइडेंस, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ऐप वेबसाइट या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मेरे से रजिस्टर कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कम्प्लीटली। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपका फेज होता क्या है। तो फेज पहले हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर कैटेगरी करेंगे। तो फेज जो होता है वो आपका वही टाइम स्लॉट हो गया कि पहले राउंड बोल सकते हैं, राउंड ये होता नहीं एक्चुअली, ये फेज होता है। राउंड में होता है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक राउंड करने दिया जाएगा। यहाँ पे फेज है, फर्स्ट फेज में 20,000 तक, सेकंड फेज में 20 से 45,000, थर्ड फेज में 45 से 70,000, फिर आपका फोर्थ फेज जो होता है 70 से 1,00,000, और फिफ्थ फेज में 1,00,000 के बाद जितने भी बच्चे हैं सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे 20,000 रैंक तक आपका फर्स्ट फेज में होगा, तो 20,000 ऐसा नहीं कि एक से लेकर 20,000 सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि मणिपाल में उनका रिजल्ट आ गया अच्छा, या फिर बिटसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर JEE में उनको IIT NIT का चांस है, तो ये सब बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। बट कहने का ये मतलब है कि अगर 20,000 रैंक तक आपका पड़ा है तो आपको 20,000 के अंदर वाला में जो फेज होगा उसमें ही काउंसलिंग करना है। उसमें अगर मिस करते हैं तो आपका काउंसलिंग खत्म हो गया, आपको सीट वेट कुछ भी नहीं मिलेगा, और उसमें जो सीट मिल गया वो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो भी आपको कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के हम दूसरा राउंड या दूसरा फेज में चले जाए, राउंड होता ही नहीं यहाँ पे। एक ही केस में आप सेकंड फेज में जा सकते हैं अगर आपको फर्स्ट फेज में कोई सीट नहीं मिला, और ये सारा रूल हर एक फेज के लिए अप्लीकेबल है। सेकंड फेज में भी इसी तरह होगा, अगर आपका 20 से 45,000 रैंक तक आपका अगर है रैंक, तो आपको सेकंड फेज करने दिया जाएगा, थर्ड फेज में आप नहीं जा पाएंगे। इसी तरह थर्ड फेज वाले को फोर्थ फेज में नहीं दिया जाएगा। ये फेज वाइज काउंसलिंग होता है। और कैटेगरी रहा, कैटेगरी का मतलब होता है फी कैटेगरी। कैटेगरी वन का मतलब 2,00,000 फी, कैटेगरी थ्री या थ्री का मतलब 4,00,000 फी। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। वो क्या है कैटेगरी फी, स्कॉलरशिप क्या है, डिटेल वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये जब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेज और कैटेगरी को समझें। कुछ बच्चे के दिमाग में ये होता है कि हम फेज थ्री का काउंसलिंग करेंगे इसका मतलब कैटेगरी थ्री हमको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मैकेनिकल सिविल ले रहे हैं तो फेज थ्री तक में भी कैटेगरी वन का सीट बचा रहता है, तो आपको कैटेगरी वन मिल जाएगा 70,000 या फिर 80,000 इवन 1,00,000 रैंक पे। VIT भोपाल या AP जाते हैं तो आपको कैटेगरी वन मिल जाएगा 1,00,000 रैंक तक भी, जो कि फेज फोर में। तो फेज और कैटेगरी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन VIT काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आपको जो भी डाउट्स आता है VIT काउंसलिंग के रिगार्डिंग सिंपल, वो आप कमेंट में पूछें। अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बिना गाइडेंस के VIT काउंसलिंग नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, वो कैसे हम बता रहे हैं। चॉइस फिलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट है। आपको हर एक ब्रांच के लिए 5 कैटेगरी चूज करना होता है, तो अब कन्फ्यूजन आएगा कि हम CS के लिए कैटेगरी 5 तक जाएं, या फिर EC ले लें कैटेगरी 3 में, या फिर मैकेनिकल ले लें कैटेगरी 1 में। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा यही कि एक्सपर्ट से हेल्प लें, ताकि आपको बेस्ट ब्रांच प्लस बेस्ट कैटेगरी सारा मिलेगा। उसका गारंटी मेरे साइड से रहेगा 100%। ऐसा नहीं लगेगा काउंसलिंग के बाद आपको कि हम ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, वैसे करते तो ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आपको जो भी रैंक है उस बेसिस पे जो बेस्ट आप एक्सपेक्टेशन है, कुछ लोगों का होता है हम कैटेगरी 2 तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा फी हम पे नहीं कर पाएंगे, तो उस कैटेगरी तक में सबसे बेस्ट क्या ब्रांच हो सकता है, वो सारे चीज़ों के लिए हम आपको गाइड करेंगे, ताकि आपको एक अच्छा सीट मिले। और यहाँ पे एडवांस भी पेमेंट करना होता है। जैसे ही आपको सीट मिला तो एडवांस फी पेमेंट करना होगा, जो कि आप नहीं करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। कर देंगे तो वो सीट रहेगा, फिर फाइनल पेमेंट करना होगा। तो कुछ आधा आधा पैसा, मान लो कैटेगरी 3 मिला 4,00,000 हुआ, 2,00,000 पहले 2,00,000 बाद में, कैटेगरी 1 मिल गया तो 2,00,000 पूरा एक बार में देना होगा।
इसी तरह से आपका होता है, जो बच्चे नहीं देंगे वो सीट फिर नेक्स्ट राउंड में चला जाता है, नेक्स्ट फेज में चला जाता है। राउंड का एक्चुअली आदत यह है कि हर एक काउंसलिंग में राउंड ही होता है, बट यहाँ पे फेज वाइज काउंसलिंग हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है हर एक के मन में। तो प्लीज़ आप ध्यान से अच्छे से इसका काउंसलिंग करें, जो भी छोटा मोटा डाउट है कमेंट करें, ताकि उसको हम लेकर नेक्स्ट वीडियो बना सके। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका VIT काउंसलिंग के बारे में। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे एक तरह के काउंसलिंग के लिए दोसा, CSAB, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, MSC, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, ACCC, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का BTech कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।